Hi everyone, good evening. Welcome to Unacademy NEET and welcome to our Super 10 series in which we are covering major topics of class 11th and 12th according to NEET 2021 point of view. But ये सेशन सबके लिए बेनिफिशियल है, कोई भी आकर देख सकता है. It could be 2021, it could be 2022 और it could be 2023 students. तो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में. उसमें हम पढ़ते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी. तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी में जो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं दैट इज़ रास मैकेनिज्म. उसके बाद आता है ADH और तीसरा आता है बेटा आपके पास ANF. तो आज पहला टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी रास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रास. रास क्या है? रास का रास जानने के लिए आपको रास की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. रास एक्चुअली स्टैंड्स फॉर रेनिन, रेनिन विद सिंगल एन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. ठीक है, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. ठीक है, ये क्या है बेटा? रास है. ठीक, इन सब के नाम आएंगे बीच में. रास को समझने के लिए यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ JGA अपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस आपको याद होना चाहिए. मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि ये आपके पास क्या था? बोमैन्स कैप्सूल. ठीक है, बोमैन्स कैप्सूल में कौन जाता था? एफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, सो दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल. इट विल फॉर्म द ग्लोमेरुलस एंड देन बाहर कौन आएगी आपकी? एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट का डायमीटर हमेशा एफरेंट से क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है. So this one is efferent arteriole. दिख रहा है ना? Just a second, let me check. हाँ जी. So this one is going to be efferent arteriole. जो अंदर एंट्री मारती है. ठीक है. This one is going to be efferent arteriole. है ना? फिल्ट्रेशन तभी पॉसिबल है अगर एफरेंट का डायमीटर क्या है? ज्यादा है. एफरेंट का कम है, यहाँ से ज्यादा ब्लड एंट्री मारेगा, यहाँ से एग्जिट कम हो रहा है. तो इस एरिया में किसको चांस मिल रहा है? फिल्टर होने को चांस मिल रहा है. इसी के नजदीक नेफ्रॉन में क्या प्रेजेंट है? DCT. सो दिस इज बेटा DCT. DCT के पास सेंसर सेल्स प्रेजेंट हैं एंड दो सेंसर सेल्स दीज आर कॉलमनार सेल्स एंड दे आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा. ये सेंस करते हैं, कुछ भी गड़बड़ हो तो ये बेटा सेंस कर लेते हैं. बीच में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? लेसेस सेल्स. अब एफरेंट आर्टेरियोल की जो मसल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और वो बनाती हैं हमारे पास JG सेल्स. किसने बनाए? मसल्स ऑफ एफरेंट एज वेल एज एफरेंट आर्टेरियोल. ज़्यादा आपके एफरेंट पे ही होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स. अब JG सेल्स क्या हैं? JG सेल्स हैं टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर. ये क्या रिलीज कर सकते हैं? एक हार्मोन. और यहाँ पर जो हार्मोन है दैट इज गोइंग टू बी रेनिन विद सिंगल एन. मैं सिंगल एन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि रेनिन विद डबल एन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम जो कि बच्चों के स्टमक में रिलीज होता है प्रोटीन्स को, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए. मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ किसमें होगी? DCT में होगी. तो उसको कौन सेंस कर लेगा? मैक्यूला डेंसा. क्योंकि मैक्यूला डेंसा एक सेंसर है. ये इंफॉर्मेशन बेटा फिर किसको जाएगी? JG को. JG आगे काम करेंगे टू रिलीज रेनिन. चलिए, अब क्या इंफॉर्मेशन आती है मैक्यूला डेंसा के पास जिसपे वो रास मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं? सो स्टार्टिंग विद कि कब ये रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा. ठीक, सो रास मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड व्हेन? कौन कौन सी कंडीशन है कि मुझे ये मैकेनिज्म चलाना पड़ेगा? सबसे पहली कंडीशन कौन सी आ रही है? रास मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होगा जब ब्लड के अंदर सोडियम का, क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या चल रहा है? कम चल रहा है. तो रास को एक्टिवेट करेंगे. जब बेटा ब्लड के अंदर पानी कम चल रहा है तो रास को एक्टिवेट करेंगे. जब ब्लड के अंदर, या फिर मैं बोलूँ जब ब्लड का वॉल्यूम क्या चल रहा है? कम चल रहा है. देखो ब्लड में पानी कम है तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, तब रास को एक्टिवेट करेंगे. जब बेटा ब्लड का प्रेशर क्या चल रहा है? कम चल रहा है, तो रास को एक्टिवेट करेंगे. प्रेशर क्यों कम है? क्योंकि सोडियम नहीं है. जब बेटा नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या चल रहा है? कब? तब हम रास को एक्टिवेट करेंगे. सो दीज आर ऑल द कंडीशंस जब रास एक्टिवेट होगा. देखिए, ब्लड में अगर सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन कम है या फिर पानी कम है या मतलब सोडियम ज़्यादा लॉस हो रहा है, पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ें कौन सेंस कर लेगा? GFR अगर कम हो रहा है बेटा, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ तो कौन सेंस कर लेगा बेटा? मैक्यूला डेंसा. क्योंकि ये क्या है? एक सेंसर सेल है ना बेटा? क्योंकि ये क्या है? एक सेंसर सेल है. So this condition is going to be sensed by मैक्यूला डेंसा, और यहां पर मैक्यूला डेंसा बेटा इंफॉर्मेशन देंगे किसको, जेजी को। जेजी आगे क्या रिलीज करेंगे, रेनिन रिलीज करेंगे। अब ये रेनिन का क्या काम है वो हम चलते हैं अपनी ब्लड वेसल में। सो नेक्स्ट पेज में आई एम टेकिंग यू टू द ब्लड वेसल। तो मान लो बेटा ये आपकी ब्लड वेसल है, थोड़ी डार्क बना देते हैं, रेड कलर इसमें थोड़ा सा कम दिखता है, बट सिंस ब्लड वेसल है तो बेटा बनाएंगे तो रेड से ही, ठीक। सो दिस इज योर ब्लड वेसल। रेनिन कहाँ से आया, किडनी से आया, जेजी सेल्स ने रिलीज किया। रेनिन क्या है, एक हार्मोन है। ब्लड के अंदर बेटा एक प्रोटीन प्रेजेंट है, ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक इनएक्टिव, देखो लास्ट में ओजन आ रहा है, दिस इज अ इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा में प्रस्तुत एक प्रोटीन है, इनएक्टिव है क्योंकि ओजन है। बनाया किसने, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअली लिवर, लिवर ने बनाया, प्लाज्मा में डाल दिया तो घूम रहा था प्लाज्मा में। जब तक ये इनएक्टिव है काम नहीं करेगा। जब बेटा मैक्यूला डेंसा ने इन्फॉर्मेशन दी जेजी को, जेजी ने रिलीज किया रेनिन, रेनिन के आने की वजह से ये जो एंजियोटेंसिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसकी एक्टिव फॉर्म में, दैट इज एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। उसने इसको कन्वर्ट कर दिया, किसकी प्रेजेंस में हुआ बेटा, रेनिन जो कि एक हार्मोन है, ठीक है। ये बात समझ आई, इट्स अ प्लाज्मा प्रोटीन सिक्रीटेड बाय लिवर एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट फॉर्म विच इज एंजियोटेंसिन 1। क्या एंजियोटेंसिन 1 काम कर पा रहा है, नहीं, अभी भी ये इंटरमीडिएट टाइप है, काम नहीं कर पा रहा। हमें इसको और एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम अब इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देंगे एंजियोटेंसिन 2 में, बाय कौन कन्वर्ट करेगा, बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। क्या नाम है इसका, ACE, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहां से आया ये ACE, कहां से मिला, फ्रॉम लंग्स। कहां से मिला बेटा, फ्रॉम लंग्स। अब आपका जाकर ये एंजियोटेंसिनोजन कंप्लीटली एक्टिव फॉर्म में आया है, ये आगे काम करेगा, ये क्या करेगा बेटा, आगे काम करेगा। जो भी हमारी दिक्कतें थी, ये सारी दिक्कतें थी कि बीपी कम हो रहा था, GFR कम हो रहा था, ब्लड में सोडियम कम है, पानी कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है, इन सारी दिक्कतों को बेटा आप कौन सॉल्व करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्शन ऑफ द एंजियोटेंसिन 2, क्या क्या कर सकता है ये एंजियोटेंसिन 2। सो टॉकिंग अबाउट एंजियोटेंसिन 2, सबसे पहले बेटा एंजियोटेंसिन 2 क्या कराएगा, एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करेगा आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को। किसको स्टिमुलेट करेगा बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एंड इससे क्या रिलीज कराएगा, एल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज कराया, एल्डोस्टेरॉन। बेटा तो सिस्टम का जो नाम है वो नाम पूरा हुआ कि नहीं, रेनिन आया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को अल्टीमेटली एक्टिवेट में हेल्प किया, एंड इसने किसको स्टिमुलेट कर दिया बेटा, एल्डोस्टेरॉन के रिलीज को स्टिमुलेट कर दिया। ये एल्डोस्टेरॉन की क्या क्षमता है, ये एल्डोस्टेरॉन बेटा क्या कर सकता है, इट कैन कॉज रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, हाँ जी किसकी, ऑफ सोडियम आयन। किस हिस्से में रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे बेटा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, इन द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, है ना। एल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट में हम सोडियम को बचाने की कोशिश करेंगे, सोडियम बच गया तो ये कंडीशन सॉल्व के नहीं, सोडियम बच गया तो क्लोराइड अपने आप बच जाएगा, ठीक है। सोडियम बाहर ज़्यादा जा रहा था, ब्लड में नहीं था, ब्लड में वापस लेना था तो यार हमने एल्डोस्टेरॉन से वापस ले लिया। दूसरा ये एंजियोटेंसिन 2 क्या कराता है, दूसरा बेटा ये एंजियोटेंसिन 2 एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बढ़ा कम करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ efferent arteriole, ध्यान देना efferent arteriole का डायामीटर और कम कर देंगे। ध्यान दीजिए बेटा, ये efferent arteriole का अगर मैंने डायामीटर और कम कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो यार एंट्री ज़्यादा की हो रही है, एग्जिट और कम का हो रहा है, इस जगह पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो प्रेशर भी इंक्रीज, फिल्ट्रेशन का अमाउंट इंक्रीज तो मतलब GFR भी इंक्रीज। तो ये कंडीशन सॉल्व हुई कि बीपी भी इंक्रीज हो गया और बेटा यहाँ पर क्या हो गया, GFR भी इंक्रीज हो गया, ठीक। जिसकी वजह से बीपी इज गोइंग टू इंक्रीज एंड GFR is going to increase. साथ ही में इस एंजियोटेंसिन 2 की वजह से और क्या होगा, there is going to be reabsorption of sodium and chloride in PCT also. PCT से भी क्या कराएगा, reabsorption कराएगा. तो जितनी भी दिक्कतें थी बेटा कि पानी नहीं है, ब्लड का वॉल्यूम कम है, ब्लड में प्रेशर कम है, ये सारी प्रॉब्लम्स किसने सॉल्व कर दी, हमारे एंजियोटेंसिन 2 ने. सो दिस इज बेसिकली रास, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. ये कौन सा सिस्टम कहलाता है बेटा, रास. अब इसका साथी सिस्टम कौन है, साथी हार्मोन कौन है, ADH. अगर आप चाहो तो मैं उसको भी यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, दैट इज ADH. चलिए यहीं पर कर लेते हैं. ADH क्या कहलाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर मत कहना कि 10 मिनट्स में नहीं किया, बट मुझे लगता है कि ये इससे रिलेटेड है, तो लेट अस कंप्लीट इट. सो ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन. ADH कब काम करता है, ADH बेटा इट इज एक्टिवेटेड व्हेन, सब बच्चे ये चीज जरूर लिखेंगे, इट इज एक्टिवेटेड व्हेन. ये तब काम करेगा बेटा जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा है, ब्लड ऑस्मोलैरिटी इज वेरी हाई. ऑस्मोलैरिटी हाई होने का मतलब है ब्लड में सोडियम वगैरह बहुत ज़्यादा और पानी बहुत कम है, ठीक है. ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने का मतलब है सॉल्ट ज़्यादा है, ब्लड में पानी क्या चल रहा है, कम चल रहा है. तो अब इस चीज़ को कौन सेंस करेगा कि ब्लड में पानी कम है, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है. दिस इज गोइंग टू बी सेंस्ड बाय, हाँ जी, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इस चीज़ को पहचान लेगा कि ब्लड में भैया पानी बहुत कम हो गया है, ब्लड में किसी तरीके से पानी लेके आना है. कैसे लेके आए पानी, पहला तरीका बेटा पानी लाने का, एक्टिवेट द थर्स्ट सेंटर. दिस इज गोइंग टू एक्टिवेट द थर्स्ट सेंटर. प्यास ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, तुम पानी पियोगे तो ब्लड में कहीं ना कहीं पानी का लेवल नॉर्मलाइज होगा. दूसरा बेटा और क्या कराएगा, दिस ADH इज ऑल्सो गोइंग टू स्टिमुलेट कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द लेटर पार्ट ऑफ द डक्ट, है ना, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, कहाँ पर, इन द DCT, लेटर पार्ट यही होता है, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट. तो ADH का काम भी आपको क्लियर हो गया कि यार ये वैसोप्रेसिन जो कि किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन इसको सिक्रीट कौन करता है आगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पता होना चाहिए आपको, बनाया किसने, हाइपोथैलेमस ने, बट सिक्रीट किसने किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने किया, यू न्यूरोहाइपोफाइसिस ने किया. बनाएगा कौन इसको, हाइपोथैलेमस. तो मिलके कहीं ना कहीं रास और ADH ब्लड के अंदर सॉल्ट लेके आ रहे हैं, ब्लड के अंदर बेटा पानी लेके आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, GFR को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. अगर कंडीशन बेटा इससे उल्टी हुई, अगर बेटा कंडीशन इससे उल्टी हुई, हाँ जी, यहाँ पर लिख लीजिए, अगर रुको यस, अगर कंडीशन यहाँ पर उल्टी हुई कि GFR मान लो ज़्यादा है ना, GFR कम नहीं, GFR बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो ब्लड में पानी ज़्यादा हो गया, उल्टी कंडीशन, ब्लड का प्रेशर बेटा हाई हो गया, ब्लड में सोडियम ज़्यादा हो गया, है ना, ये उल्टी कंडीशन है. इस टाइम पर किसको लेके आए, रास तो बेटा ये सब कराता है, इससे उल्टा काम कौन करेगा, इससे उल्टा बेटा काम करेगा आपका ANF, दैट इज एट्रियल नैट्रीयूरेटिक फैक्टर. आपकी एट्रिया की वॉल में से निकलता है ANF. ये ANF क्या कराता है, ये ANF बेटा सारा उल्टा काम कराता है. सिंस ब्लड में वाटर ज़्यादा है, वाटर निकालो, सो क्या कराइए, डायूरेसिस कराइए. डायूरेसिस मतलब यूरिन में पानी को ज़्यादा बाहर निकालिए क्योंकि ब्लड में ज़्यादा हो रहा है. सिंस ब्लड में सोडियम ज़्यादा है, सोडियम इज नैट्रियम, तो सोडियम बाहर निकालो, दैट इज कॉल्ड एज नैट्रीयूरेसिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नैट्रीयूरेसिस, जिससे धीरे धीरे ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डाउन आएगा, ठीक है, और ब्लड के अंदर जो पानी ज़्यादा हो रहा था, सोडियम ज़्यादा हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करता था ADH, नैट्रीयूरेसिस को प्रिवेंट करता था रास मैकेनिज्म, तो ये तो इनको प्रमोट कर रहा है. तो दैट मीन्स ANF इज वर्किंग ऑपोजिट टू, हाँ जी, ANF किसके ऑपोजिट काम कर रहा है, ANF इज ऑपोजिट टू हाँ जी, किसके? रास के भी और एडीएच के भी, है ना, इसके ऑपोजिट काम करता है. सो दिस इज कंप्लीट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी. रास नहीं, मैंने आपको बाकी के हार्मोन्स भी एक्सप्लेन करा दिए हैं. ठीक, आई होप बेटा आपको ये समझ आए होंगे. अच्छा लगता है तो शेयर किया करो, लाइक किया करो इस सेशन को. ठीक, साथ ही में अगर आप मैम से प्लस में जुड़ना चाहते हो, इंटरैक्टिव वे में मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, मेरे डीपीपीज लेना चाहते हो, पीडीएफ्स लेना चाहते हो, डाउट क्लियरिंग ग्रुप में आना चाहते हो, तो बेटा आप संजीवनी और विजय भव बैच ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड विच इज सीप लाइफ. अगर जब आप ये कोड यूज करेंगे तो 10% ऑफ तो होगा ही होगा. साथ ही में बेटा आपको मिलेंगी डेली डीपीपीज, पीडीएफ एंड डेली डाउट सॉल्विंग, जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना आपका, डाउट सॉल्विंग. और बेटा आप मैम से डायरेक्ट बात कर सकते हो. सिर्फ मेरा संजीवनी बैच नहीं, साथ ही में बेटा कौन सा बैच चल रहा है, विजय भव बैच भी चल रहा है, जिसमें मैं 11th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक बायोमोलिक्यूल्स कवर करा रही हूँ. तो इस बैच में भी एनरोल करना बाय यूजिंग सीप लाइफ कोड. अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो आप इसमें क्या, सारे बैचेस में एक साथ एनरोल हो सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर बैचेस गोइंग ऑन लाइक नीट फॉर बिगिनर्स, दिशा बैच, एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच, एंथ्यूज बैच. इन सब बैच में जाने का तरीका आपके सामने है, दैट इज दिस कोड. और सिर्फ प्लस नहीं, अगर आप चाहते हो आपको प्लस के साथ साथ एक पर्सनल कोच मिले, स्टडी प्लानर मिल जाए, तो आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज आइकॉनिक. एंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन आइकॉनिक एज वेल एज प्लस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये आपकी करियर में क्या है, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है. अब मैं आपको मिलूंगी कल सुबह 9 बजे विद अनदर सेशन इन सुपर 10 सीरीज, दैट इज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय.